जी हाँ, स्वागत है आपका। तो एनाटॉमी के अंतर्गत अब तक इसके पिछले वीडियो में 175 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। प्रश्न नंबर 176 से हम चर्चा करेंगे। संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? तो सही जवाब होगा 4 प्रकार की। प्रश्न नंबर 177, हिंज ज्वाइंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कोहनी, हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 178, किस जोड़ में कोणीय और घूर्णीय गति दोनों होती है? तो सही जवाब सर्कमडक्शन। क्वेश्चन नंबर 179, सूचर जोड़ किसे कहते हैं? तो सही जवाब होगा खोपड़ी की जोड़ को सूचर जोड़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 180, पेग एंड सॉकेट किसे कहते हैं? तो सही जवाब होगा दांत के जोड़ को पेग एंड सॉकेट कहते हैं। 181, एक वयस्क के मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? सही जवाब 26। क्वेश्चन नंबर 182, कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? तो सही जवाब होगा गेंद गड्ढा संधि। प्रश्न नंबर 183, अस्थि संधियां शरीर को क्या प्रदान करती हैं? तो सही जवाब होगा गति प्रदान करती हैं। प्रश्न नंबर 184, बच्चों के मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? सही जवाब 33। क्वेश्चन नंबर 185, बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? सही जवाब कब्जेदार जोड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 186, दाई हाथ की हड्डी की ओसिफिकेशन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही जवाब आयु यानी एज के लिए किया जाता है। 187, श्वास नली को क्या कहते हैं? तो सही जवाब ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 188, फेफड़ों में डिफ्यूजन क्रिया कहाँ होती है? सही जवाब एल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 189, ब्रोंकाइस किस सिस्टम का एक भाग है? तो इसका सही जवाब होगा श्वसन का। प्रश्न नंबर 180, हवा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो इसका सही जवाब होगा 78%। प्रश्न नंबर 191, एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका सही जवाब होगा 12 से 20 बार। प्रश्न नंबर 192, अस्थमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब होगा फेफड़ा को। प्रश्न नंबर 193, एपिग्लॉटिस किस तंत्र का भाग है? तो इसका सही जवाब होगा पाचन तंत्र का। प्रश्न नंबर 194, मनुष्य द्वारा सांस में ली गई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो सही जवाब 21%। प्रश्न नंबर 195, श्वसन क्रिया में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? तो सही जवाब 4.4%। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 196 की। श्वसन क्रिया में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन की। प्रश्न नंबर 197, वाइटल कैपेसिटी किस यंत्र से मापी जाती है? तो सही जवाब होगा स्पायरोमीटर से। प्रश्न नंबर 198, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरा होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 सेकंड में पूरा होती है। प्रश्न नंबर 199, फेरिंग्स किस तंत्र का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन तंत्र का भाग है। प्रश्न नंबर 200, दाएं फेफड़े में
कितना लोब होता है? तो इसका सही जवाब होगा दाएं फेफड़े में 3 लोब होता है। बाएं फेफड़े में कितना लोब होता है? तो सही जवाब होगा 2। प्रश्न नंबर 202, फेफड़े में हवा भरने की क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़े में हवा भरने की क्षमता 4.5 से 5 लीटर होती है। प्रश्न नंबर 203, शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो सही जवाब होगा एल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 204, प्लूरा द्रव किस अंग के बाह्य आवरणों के मध्य रहता है? तो सही जवाब होगा फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 205, ध्वनि यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब होगा लॉरेंक्स। प्रश्न नंबर 206, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? तो सही जवाब होगा ये होता है ब्रीथ रेट। ब्रीथ रेट को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें, प्रश्न नंबर 207, ट्रेकिया किसकी बनी होती है? तो सही जवाब होगा कॉर्टिलेज की। क्वेश्चन नंबर 208, आराम की स्थिति में सामान्य व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कितने लीटर की होती है? सही जवाब 4 लीटर की। क्वेश्चन नंबर 209, आराम की स्थिति में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? सही जवाब 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 210, एक सामान्य व्यक्ति का श्वास दर कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति का श्वास दर 6 से 10 प्रति मिनट होता है। प्रश्न नंबर 211, आराम की स्थिति में डायाफ्राम कितना फूलता है? तो इसका सही जवाब होगा 5 से 11 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 212, अभ्यास के दौरान सीना और डायाफ्राम कितना फूलता है? तो इसका सही जवाब होगा 2 से 10 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 213 की बात करते हैं, तो लगातार अभ्यास करने से रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो सही जवाब होगा WBC की मात्रा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 214 की, श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मेरु रज्जु शीर्ष पर। प्रश्न नंबर 215 की बात करें, तो अल्प ऑक्सीजन रक्तता में किसमें कम ऑक्सीजन पहुंचती है? तो ये ऊतक में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचती है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 216 की, ईसोफेगस को क्या कहते हैं? तो ईसोफेगस को ग्रास नली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 217, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाने का काम करता है? सही जवाब प्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 218, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमाइलेज। धन्यवाद।